आज सुबह मैं दुकान पे जल्दी आ जाता हूँ और जल्दी आने के कारण देखता हूँ कि सड़कों पे कोई दिख ही नहीं रहा है। फिर मैं अपना सारा काम एक एक करके निपटाने लगता हूँ। तभी मेरे पास एक गाड़ी आता है जो कि 3 महीने से बंद था। फिर मैंने सोचा कि गाड़ी 3 महीने से बंद है तो गाड़ी चालू नहीं होगी, लेकिन गाड़ी का कंडीशन अच्छा होने के कारण गाड़ी जल्दी से चालू हो गई। फिर मैं गाड़ी में हवा भर के ऑयलिंग करके गाड़ी कस्टमर को दे देता हूँ। फिर मैं दोपहर को लालू प्रसाद के चेले के पास जाता हूँ, देखता हूँ कि वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मैं पूछता हूँ कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो वो बोलता है मैं अपने पुरखों के खजाने को ढूंढ रहा हूँ। और थोड़ी देर में वो खजाना मेरे हाथों में होता है जो कि बहुत ही हल्का होता है। फिर मेरे हाथों से वो अपना खजाना लेके चला जाता है जंगलों के अंदर और उसके पीछे पीछे मैं भी चला जाता हूँ। देखता हूँ कि वो अपने बैलों के लिए चारा काट रहा है और आसपास बिना ध्यान दिए देख रहा था तो मुझे एक कुआं दिखा जिसमें से मोटर द्वारा पानी निकाला जा रहा था और मुझे आज पता चला कि ये चारा घोटाला कहाँ से करता है। फिर मुझे दूसरी तरफ भी एक और कुआं दिखा। तो हरी हरी ओढ़नी की तो पता ना, लेकिन काई जरूर छूटल भाई हमारा।